किसने खड़ा किया था? ये जो जाति जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी उद्घोषणा अपनी मन बढ़ई में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू और सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। कहीं सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं, क्या ये सच नहीं? इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था। पीटिए राजूपाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी, तब राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं, हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना यह सरकार का दायित्व तो है, और सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है, और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा, ये लोग नहीं खेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा, और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। 2013 में जो भी आया होगा, संकल्प लेके गया कि दोबारा इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में नहीं आऊंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब 2019 में प्रयागराज कुंभ हुआ, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों ने, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बोगुणा जोशी, श्रीमती केसरी देवी पटेल, महापौर यहां पर उस समय की महापौर ने, और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के, यहां के माननीय विधायकों ने, सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया। और परिणाम क्या रहा? 2019 में कुंभ कैसे होता है प्रयागराज ने बता दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है, प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा था। और बहनों और भाइयों, उसी सम्मान को बहाल करने के लिए आज हम फिर आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। अच्छा काम करते हैं, व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है, और साथ साथ हमारे शहर को भी, हमारे जनपद को भी
एक नई पहचान मिलती है।